दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमित पाल, धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। रूबी पोजीशन में पहुँच गया आप लोगों के आशीर्वाद से। और आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बोल सकते हैं इसको, जिसका नाम है पाइल्स यानी बवासीर। तो इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, और हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने जो मेडिसिन बनाए हैं इसके लिए, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो बहुत लोगों को पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, बवासीर का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग छुपा के रखते हैं, लेडीज़ तो बहुत ये छुपा के रखती है, और ये जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। जो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है, अगर आप टाइमली इसका सही समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये आगे जाके बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। और ये 2 बार 3 बार ऑपरेशन करने के बाद कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर पाइल्स का प्रॉब्लम आपको है, पाइल्स में क्या होता है, कई बार खून निकलता है, कई बार क्या होता है कि जो मांस है वो बाहर आ जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है ये आगे जाके और भी बड़ा हो जाता है। और अगर इसका सही समय पर आप अगर उपचार नहीं करोगे तो ये आगे जाके बहुत खतरा देगा आपको। इसके लिए जो हमारी धन्वंतरी में प्रोडक्ट्स है जो आपको लेना चाहिए, अगर आपको या आपके जान पहचान में किसी को भी या रिलेटिव्स में या दोस्तों में किसी को भी अगर आपको लगता है पाइल से या आपको खुद को भी ये प्रॉब्लम है, तो धन्वंतरी का जो मेडिसिन आपको चाहिए वो हो गया इम्यूरिच। इम्यूरिच काउ कोलेस्ट्रम पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इम्यूरिच जो काउ कोलेस्ट्रम है, काउ कोलेस्ट्रम के पीछे 6,500 रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। ये एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है इसका रिजल्ट। और अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है तो साथ में डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई क्या करता है, हमारा शरीर का जितना भी टॉक्सिन्स है उसको दूर करता है, जितना भी हमारा इंटेस्टाइन पाइप में जितना भी गंदगी भरा है सबको दूर करता है टूल्स के साथ। पानी आपको थोड़ा ज़्यादा पीना होगा। पाइल्स अगर आपको है और अगर आप धन्वंतरी की दवाई ले रहे हो, पानी थोड़ा ज़्यादा पियेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। ये पाइल्स रिलीफ सैचेट है। पाइल्स रिलीफ जो सैचेट है इसके अंदर इस तरह के, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के सैचेट मिलते हैं। इस तरह के 20 सैचेट आपको मिलते हैं। सैचेट को जैसे जो तंबाकू गुटखा खाते हैं उस तरह से फाड़ के ऐसे मुंह में देते हैं और चबाते हैं, उसी तरह से आपको ये सैचेट भी चबाना होगा। फिर आपको निगलना होगा बगैर पानी से। जब आप निगल लोगे ठीक 5 मिनट बाद को आप बाद में आपको पानी पीना है, तो वो जब पेट में चला जाएगा वो बहुत अच्छा काम करेगा। जब कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्लास में घोल के पीते हैं डायरेक्ट, उससे अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप मुंह में लेके चबाओगे फिर इसको निगलोगे, तब जाके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का, ये एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, आपको ये है, ये आपको बीच में से ऐसे फाड़ना है और मुंह में लेना है, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। साथ में जो डिटॉक्सिफाई है ये सुबह 2 शाम को 2 लेना है, सुबह 2 शाम को 2 खाना खाने से 1 घंटा बाद। जो इम्यूरिच है ये सुबह 2 लेना है, दोपहर को 2 लेना है, शाम को 2 लेना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले। और मैं हर किसी को बार बार ये बोलता हूँ कि काइंडली इम्यूरिच खाने के तुरंत बाद कोई गरम चावल, गरम रोटी, गरम चाय, कोई भी गरम चीज़ मत खाइए, क्योंकि ये काउ कोलेस्ट्रम है। अगर इसको खाने के तुरंत बाद आप कोई गरम चीज़ खा लोगे तो ये काम में नहीं आएगा, तो पैसा खर्चा करके फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए कम से कम 1 घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट आपको कुछ नहीं खाना है सिवाय ठंडा पानी के, नॉर्मल ठंडा पानी के सिवाय। इसको खाने के बाद, इसको खाने के बाद जो 1 घंटा है वो 1 घंटा मैं बहुत ही क्लियर कट समझा रहा हूँ। इसको खाने के बाद पहले तो इसको खाली पेट में खाना है या खाना खाने से 1 घंटा पहले खाना है, और जो 1 घंटा हाथ में बच गया वो 1 घंटा कोई गर्म चीज़ नहीं खाना है सिवाय ठंडा पानी के। अभी आप लोग क्लियर हो चुके हो। तो ये इम्यूरिच सुबह 2, दोपहर को 2, शाम को 2 लेना है, साथ में डिटॉक्सिफाई लेना है, साथ में ये पाइल्स रिलीफ पाउडर लेना है। इसको ये पाउडर फॉर्म में आता है, इसमें 20 सैचेट रहते हैं। और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये जाइमोलेक्स।
पाइल्स के टाइम में बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी, अल्सर, ये सब का प्रॉब्लम। साथ में अगर आप सिर्फ ये एक 300 रुपये का, सॉरी ये 350 रुपये का जाइमोलेक्स अगर आप ऐड कर दोगे, सुबह दो शाम को दो पानी के साथ, तो आपका जो इंटेस्टाइन है, आपका जो स्टोमक है, बहुत अच्छा है, इसको रिलीफ कर देगा, बहुत अच्छा काम होगा। तो अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है तो ये चारों मेडिसिन मैं अभी एक साथ दिखा देता हूँ आपको। ये चारों मेडिसिन इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, पाइल्स रिलीफ और जाइमोलेक्स, ये आपको लेना है। पर एक कंडीशन है, अगर पाइल्स का प्रॉब्लम है तो एक कंडीशन ये है कि आपको मीट, मछली, अंडा, सोयाबीन या जो भी प्रोटीन वाला चीज़ है वो कुछ महीनों के लिए बंद करना पड़ेगा। अगर आप बंद नहीं करते हो, एक तरफ से आप मीट मछली भी खा रहे हो, एक तरफ से धन्वंतरी का मेडिसिन भी खा रहे हो, इससे अच्छा मैं बोलूँगा मत खरीदिए, मत खरीदिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए। पर अगर आप मान के चलते हो कि हाँ मुझे कुछ महीना मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैं मीट मछली अंडा सोयाबीन अरहर का दाल कोई भी प्रोटीन वाला चीज़ नहीं खाऊंगा, तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। मैं आपको इतना चैलेंज कर सकता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा, एक हफ्ते के अंदर अगर आप मान के चलोगे। अगर आप नहीं मान के चलोगे तो वो पैसा बेकार में जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा मैसेज पहुँचे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं। हाल ही में हमारा एक रिज़ल्ट आया था, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र में, तो एक आदमी के घर वो गए तो उस आदमी का डायबिटीज़ अल्सर होके पैर पूरा पच गया था, पैर काटने वाले थे डॉक्टर, अगले दिन पैर काटने वाले थे, पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरे वजह से पहुंच गए उनके घर और उनको धन्वंतरी का दवाई इम्यूरिच पैर में लगाने के लिए दिया, साथ में खाने के लिए दिया। विद इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर इतना बेहतरीन रिजल्ट आया कि पैर अभी नहीं काटने से भी चलेगा और धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। उसका मैं आपको फोटो भी कभी दिखा सकता हूँ। अभी डॉक्टर ने बोला अभी पैर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आशीर्वाद है वो ज़िंदगी भर के लिए आ गया, ज़िंदगी भर उस आदमी का ब्लेसिंग समय मिलेगा। तो हम कुछ ऐसा ही काम करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो दिए गए फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू।